ये सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया है अभिलाषा, इट्स सब्जेक्ट एक घंटे का सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरी थियर्स बीए एमए और उसके बाद पीएचडी का सब्जेक्ट है कि जुडिशरी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में, जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स के आधार पे इंडिविजुअल फ्रीडम ग्रांट की जाती है, और किसी भी आर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट का जो जो एक एक आर्म हो, कोई हिस्सा हो, उस पर किस तरह से लगाम लगाए जाते हैं कि वो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम एक दूसरे को चेक कर सके, और होती रही है। अब जेटली साहब का ये कहना ठीक है कि हमारा लेजिस्लेचर का जो हक है वो लॉज इज टू मेक लॉज, बट दी राइट ऑफ दी लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज, नॉट टू अनमेक देम एट विम, एंड नॉर इज इट एनी राइट ऑफ देम टू मिस यूज द लॉ। जब वो लॉ को मिस यूज करती है तो क्या चेक रहता है? अब देखिए, जो चेक्स एंड बैलेंसेस जो एग्जीक्यूटिव पावर पे, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे, जिससे जो हम जब वोटिंग के टाइम पे जो आम आदमी जो एक्चुअली बाय नेचुरल लॉ जो एम्पावर्ड होता है, वो अपना जो 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 उसका पावर होता है, उसकी शक्ति होती है, उसकी सियासी शक्ति जो होती है, वो एक किसी गवर्नमेंट में रिपोज कर देती है 5 साल के लिए। तो वो जो गवर्नमेंट होती है वो एक ट्रस्टी है, वो द सॉवरेन इज द पीपल, द गवर्नमेंट इज योर ट्रस्टी, एंड एज अ ट्रस्टी इट इज इन ट्रस्टीशिप ऑफ योर राइट्स, इट कैन नॉट अब्यूज योर राइट्स। अगर उन उन राइट्स को ये अब्यूज करना शुरू कर देते हैं तो जुडिशरी स्टेप्स इन। और वो एंग्लो सैक्सन लॉ जहां पर फंडामेंटल लिबर्टी शुरू होती है, वो 1215 में, देखिए 1215 में जब मैग्ना काटा साइन हुआ था किंग जॉन के टाइम पे, वो क्या था, वो लड़ाई थी राजा के सामने में, जिसके साथ में जिसके पूरे पावर उस पे थे, जान किसी की भी ले सकता था, पैसे किसी भी ले सकता था, वो किसी को इम्प्रिजन कर सकता था बिना कारण के, हेबियस कॉर्पस मतलब के प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब कि कोई गायब हो गया तो गायब हो गया। तो एक बैटल हुई थी, ये हमारे ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, कॉल्ड द बैटल ऑफ रनीमीड, जहां पर जो बैरन्स थे उस टाइम पे, जैसे कि समझिए कि आपके चीफ मिनिस्टर या गवर्नर्स हों इंडिपेंडेंस प्रोविंसेस के, उन्होंने किंग जेम्स किंग जॉन को ये साइन करवाया के अपने जो पावर्स होते हैं वो एक काउंसिल को देंगे, जहां पर आप आर्बिट्री इम्प्रिजनमेंट, आर्बिट्री टैक्सेशन, चर्च राइट्स जो होती है उन पे आप इनक्रोच नहीं कर सकते। और उसको लॉर्ड डेनिंग, वन ऑफ द, आप जज साहब तो जानते होंगे, लॉर्ड डेनिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेंटेटर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन हिस्ट्री, उन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल टाइम्स, द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द आर्बिट्री अथॉरिटी ऑफ द डेस्पॉट। ये है इसकी अहमियत मैग्ना कार्टा की। तो हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बहुत ही दिन पे दिन इतनी पावरफुल हो रही है कि उस पर कोई चेक नहीं है, उस पर इलेक्शंस भी चेक नहीं है, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एक कुशासन फैल रहा है, चाहे मैं इस पार्टी का नहीं कह रहा कि ये बीजेपी का कोई एक्सक्लूसिव डोमेन है, कोई भी रही हो, और इधर एनवायरमेंट से लेके आप देखेंगे सूखे तक, और करप्शन इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई सुपरवाइज्ड इन्वेस्टिगेशन तक आप देखेंगे कि जुडिशरी ने मेरे ख्याल में बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए हैं, और ये हिंदुस्तान की जो लिबर्टी है, हमारे आम हिंदुस्तानी की जो लिबर्टी है।